वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं चाइल्ड एडॉप्शन एक्ट। सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रोडक्शन के थ्रू कि क्या होता है चाइल्ड एडॉप्शन एक्ट। एडॉप्शन इज अ लीगल प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड इज प्लेस्ड विद अ मैरिड कपल और सिंगल फीमेल। एडॉप्शन एक कानूनी प्रक्रिया है, लीगल प्रोसेस है, जिसमें कि चाइल्ड जो होता है वो मैरिड कपल और सिंगल फीमेल जो एग्री होते हैं बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए एंड उसे पालन पोषण करने के लिए सहमत होते हैं उनको हम बच्चे को देते हैं, मीन्स कि वो बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। ओके, जिसमें कि मैरिड कपल और सिंगल फीमेल होती है। अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड इन इंडिया इज गवर्न बाय फॉलोइंग एक्ट। अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड इन इंडिया मीन्स कि इंडिया में चाइल्ड को अडॉप्शन करना गवर्न बाय कुछ फॉलोइंग एक्ट्स है, जैसे कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो कि 1956 में आया था। इसमें डील होता है कि विच डील विद अडॉप्शन बाय इंडिविजुअल बिलोंगिंग, मीन्स कि उसकी संपत्ति जो होती है इंडिविजुअल जहाँ से बिलोंग कर रहा है उसके थ्रू ही अडॉप्शन की डील होती है। ओके, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। अडॉप्शन मीन्स होता है कि एक चाइल्ड जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एंड उसे रेस करना अडॉप्शन की लीगल प्रोसेस में आता है एंड ये अडॉप्शन की प्रक्रिया होती है। देन उसके बाद होता है कि गार्जियन एंड वार्ड एक्ट होता है 1919 में, जिसमें की डील होती है कि अडॉप्शन बाय फॉरेन सिटीजन इंडियन नेशनल NRI हु आर मुस्लिम क्रिश्चियन। थर्ड है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 विद डील एंड कार्ड विद अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन बाय नॉन हिंदू पेरेंट्स, मीन्स कि इसमें अडॉप्शन होती है चिल्ड्रंस की जो कि बाय नॉन हिंदू पेरेंट्स होते हैं। ओके, तो ये थ्री एक्ट्स होते हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट में है। क्राइटेरिया ऑफ लीगल अडॉप्शन, क्या क्राइटेरिया होता है लीगल अडॉप्शन का। ओके, तो हु कैन अडॉप्ट मतलब कौन अडॉप्ट कर सकता है, सिंगल वुमेन अडॉप्ट कर सकते हैं और मैरिड कपल अडॉप्ट कर सकते हैं चाइल्ड को। दे कैन बी इन इंडियन, वो इंडियन हो सकते हैं या फिर नॉन रेसिडेंस इंडियन या फिर एंड फॉरेन सिटीजन्स के भी हो सकते हैं। हु कैन गिव चाइल्ड इन अडॉप्शन मीन्स कि कौन अडॉप्शन में बच्चा जो है वो दे सकता है। बोथ पेरेंट्स टूगेदर मीन्स कि कोर्ट की सहमति से, कोर्ट के प्रोसेस से जो है पेरेंट्स अपने चाइल्ड को दे सकते हैं। वन ऑफ देम मीन्स कि अगर एक पेरेंट्स है एंड एक पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है तो वो भी दे सकते हैं। एंड इफ बोथ पेरेंट्स मीन्स कि दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गया नहीं है तो उसका भी है जो कानून की तरफ से प्रक्रिया होके कोर्ट की तरफ से बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है एंड जो भी है अडॉप्शन की प्रोसेस लीगली कम्प्लीट होती है। ओके, तो ये अडॉप्शन की प्रोसेस होती है कि हु कैन अडॉप्ट एंड हु कैन गिव चाइल्ड इन अडॉप्शन, ये होता है। मैरिड कपल और सिंगल वुमेन भी अडॉप्ट कर सकती है। क्या एलिजिबिलिटी होती है अडॉप्टिव पेरेंट्स की, 21 इयर्स होना चाहिए, फाइनेंशियली एबल होना चाहिए एंड अगर आपके पास एक चाइल्ड है तो सेम सेक्स का चाइल्ड आप नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं, ये एलिजिबिलिटी होती है अडॉप्टिव पेरेंट्स की। ओके, मीन्स कि अगर आपके पास फीमेल चाइल्ड है तो आप फीमेल नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं। प्रोसेस क्या होती है अडॉप्शन की, रजिस्ट्रेशन, होम स्टडी एंड काउंसिलिंग, रेफरल ऑफ द चाइल्ड, फिलिंग ऑफ पिटीशन, हियरिंग, कोर्ट ऑर्डर्स फॉलो अप, मीन्स कि ये प्रोसेस होती है अडॉप्शन की। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि मुझे एक चाइल्ड अडॉप्ट करना है, देन उसके बाद होम स्टडी एंड काउंसिलिंग होगी, देन उसके बाद रेफरल ऑफ द चाइल्ड होगा, फिलिंग होगी, हियरिंग्स होंगी कोर्ट्स में एंड कोर्ट्स ऑर्डर पास होगा, देन उसके बाद आपको चाइल्ड मिलेगा एंड फॉलोअप भी जैसे जैसे कोर्ट्स बताएगी वैसे वैसे आपको फॉलोअप भी जाना रहेगा कोर्ट्स में एंड वो आपको डे बाय डे न्यूज़ सारी देनी रहेगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड